सब्सक्राइब कीजिए टोटल हिंदी टेक्निकल को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और कंपोनेंट की जानकारी के लिए, वो भी हिंदी में, और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक कैपेसिटर की मदद से एक बैटरी को चार्ज करेंगे, यानी कैपेसिटर की मदद से एक हम चार्जर बनाएंगे जो कि इस बैटरी को चार्ज करेगा। दोस्तों, ये बैटरी जो मेरे पास है, ये एक बाइक की बैटरी है, तो इसकी जो रेटिंग है वो है 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इस बैटरी को इस डायोड और इस कैपेसिटर की मदद से हम चार्ज करेंगे। तो दोस्तों, इस चार्जर को बनाने के लिए जो बेसिक सामान की हमें ज़रूरत थी वो नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए हमें एक ये कनेक्टर पिन चाहिएगी, उसके बाद एक डायोड हमें चाहिएगा, ये आप कोई भी डायोड ले लीजिएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर चाहिएगा। ये कैपेसिटर फैन कैपेसिटर है दोस्तों। तो दोस्तों, इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 3.15 माइक्रोफैरड, और ये फैन का कैपेसिटर है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। और दोस्तों, यहाँ पर एक हमें बैटरी चाहिएगी। तो दोस्तों, यही बस बेसिक सा सामान चाहिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं चार्जर। इस बैटरी को सीधा कर लीजिए। और दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कैपेसिटर का एक चार्ज एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर इस सिरे से कनेक्ट कर देना, कुछ इस तरह से। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों, दूसरे सिरों को भी आपको छील देना है। और जो ये डायोड आप देख रहे हैं, तो दोस्तों डायोड आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 3 एम्पियर से ज्यादा का ही डायोड हो। तो इस डायोड का जो नंबर है दोस्तों, वो है 1N5408। ठीक है दोस्तों, ये डायोड मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस डायोड को आपको यहाँ पर लगाना है, और ध्यान रहिए लाइन वाला हिस्सा ये आपका बैटरी की साइड ही होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको लगा देते हैं हम। और इसको दोस्तों यहाँ पर सोल्डर कर दीजिए, ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पर जॉइंट हो जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने डायोड को सोल्डर कर दिया है। अब हमें इसे यहाँ पर भी सोल्डर कर देना है। इसके एक्स्ट्रा वायर को आप काट दीजिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं अब यहाँ पर ये भी मैंने सोल्डर कर दिया है, और इधर हमने यहाँ पर भी ये कनेक्शन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बाकी का वायर है, ये आपको यहाँ पर सोल्डर करना है। तो चलिए सोल्डर कर देते हैं इसको। यहाँ पर आप कनेक्शन कर दीजिए। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पर सभी कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पर ये प्लग इन है, और एक वायर यहाँ पर जा लिया इसका डायरेक्ट, और एक वायर क्या हुआ, कैपेसिटर से निकल करके यहाँ से गया। तो नॉर्मली मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर का सिरा लिया, उस पर मैंने प्लग इन का एक हिस्सा जोड़ दिया, और कैपेसिटर के दूसरे साइड पर डायोड जोड़ दिया, और डायोड की जो प्लस वाली लाइन है वो बैटरी के प्लस वाले साइड में ही मैंने रखा, और यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों ये प्लस साइड है बैटरी का, और ये माइनस साइड है। तो चलिए अब इस प्रैक्टिकल को हम चेक कर लेते हैं, और देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। तो हम इसको ऐसे रख देते हैं, और यहाँ पर ये हम इसको बोर्ड में लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, लगाते हैं बोर्ड में। तो फ्रेंड्स, सॉकेट बोर्ड हमारा ये रहा, और यहाँ पर सप्लाई है। तो हम इसको अभी चेक करते हैं यहाँ पर लगा करके। आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई वायर आपस में शॉर्ट ना हो, तो जब आप लगाएं तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मैं लगाता हूँ इसको। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया, यानी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो इसे अब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा मल्टीमीटर। अब हम इसे एसी पर लगाते हैं, यहाँ पर 600 वोल्ट पे। मैं इसे 200 वोल्ट पे लगाता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर तक हमें कितनी सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पर एक पिन लगाइए और एक यहाँ पर लगाइए। तो आप देख सकते हैं 182 समथिंग हमें वोल्ट मिल रहा है। अब हम देखते हैं कैपेसिटर से हमें कितनी वोल्ट मिल रहा है। तो एक वायर तो हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल वायर है, दूसरा हम कैपेसिटर के बाद लगाएंगे। अब देख सकते हैं, तो 14 पॉइंट समथिंग हमें वोल्ट मिल रहा है दोस्तों। तो इतना ही वोल्ट हमें मिल रहा है, 14 पॉइंट समथिंग। तो डायोड आगे तो हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि आगे डीसी बन रहा है डायोड से आगे। तो यहाँ तक एसी है,
तो यहाँ तक हम चेक करेंगे। अगर हमें ये वोल्टेज भी चेक करना है तो हमें ये डीसी पे सेट करना पड़ेगा। डीसी इधर है तो 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया, आप देख सकते हैं डीसी वोल्टेज का साइन ये रहा, तो 20 वोल्ट पे सेट है। तो अब यहाँ पर लगाना है एक, और एक हमें डायोड के बाद लगाना है। देखिए दोस्तों, ये हमें आगे वोल्टेज मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक डायोड की सहायता से और एक कैपेसिटर की सहायता से भी हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, और दोस्तों ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। लेकिन दोस्तों ये एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, बेस्ट तरीका नहीं है। आप इस तरीके को जब भी यूज़ करें जब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऑप्शन है दूसरा चार्ज करने का, तो आप इस तरीके को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। दूसरी ये बात है कि अगर आपने ऐसा कोई प्रैक्टिकल कभी नहीं किया है तो आप अकेले इस तरह के प्रैक्टिकल को ना करें, आप किसी एक्सपर्ट को लेकर के अपने साथ जब इस तरह के प्रैक्टिकल को करें, अन्यथा ये बहुत डेंजर है दोस्तों, इसमें खतरा बहुत है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिकल को आप करें लेकिन सेफ्टी के साथ करें, और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये प्रैक्टिकल भी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए एक्सपेरिमेंट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।